हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारा बच्चों लेक्चर चल रहा था वेव्स वाला चैप्टर, ठीक है। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, जो उसको आज हम सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वेव्स के, किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोलता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ स्ट्रिंग कैरिंग अ ट्रेवलिंग वेव इज गिवन बाय। मतलब ये बोल रहा है किसी रस्सी में, कण की विस्थापन समीकरण निम्न प्रकार है, क्या है समीकरण, y बराबर है 3 sin 6.28 0.50 x -50 × t, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, विस्थापन की समीकरण। क्योंकि जब कोई कण गति करता है, मतलब कण की जो वेव है, तरंग है, उसके अंदर वो जब गति कर रही है, तो उसकी विस्थापन की समीकरण कुछ इस तरीके से दी है। और आपसे बोल दिया कि जो एक्स है ना, ये कण की विस्थापन की समीकरण ये है, और एक्स जो है कण की, कण का विस्थापन है, किस कितना आया। तो आपसे ज्ञात बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, पहला है क्या आयाम, दूसरा आपको याद करना है तरंग दैर्ध्य, तीसरा आवृत्ति, चौथा है हमारे पास ये बोल रहा है कि तरंग की चाल या वेग जो भी है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से। तो सबसे पहले आप ये चेक करें, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम अपना, कि बच्चों आपको एक चीज़ पता होगा कि एक कण की जो समीकरण होती है, तरंग की समीकरण, तो किस तरह से दी जाती है, तरंग की समीकरण क्या होती है। मैंने बताया था आपको कि ये होती है y बराबर a साइन के एक्स माइनस का ओमेगा इंटू टी, ये तरंग की समीकरण, ये जो तरंग की विस्थापन समीकरण कुछ इस तरीके से दी जाती है, तरंग की विस्थापन समीकरण, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना दे रखा है। अब आपको हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर एक जो दे रखी है ना, ये वाली, ये समीकरण में, और जो हमारे पास समीकरण उसकी आप क्या कर लो, तुलना कर लो, एक बार तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ मैच करना है, इसको देखो 3 3 एक कितना हो जाएगा 3। अच्छा, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास a साइन, ये हो जाएगा k को क्या बोलते हैं 2π/λ × x, और ओमेगा क्या लिखते हैं 2π/T और ये t, ठीक है। इस तरह से इसे तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद हुआ क्या, जब आपने इसे तोड़ा तो इसमें से a को बाहर निकालो, साइन लिखो, आप क्या करो बच्चों 2π को बाहर निकाल लो, किसको 2π को, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14, आपको याद है। तो 3.14 को 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा 6.28, ठीक है 6.28। और यहाँ अंदर आ जाएगा x/λ − t/T, ठीक है।
अब यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, इक्वेशन वन को तो हटा दो, यहाँ पे ये इक्वेशन वन इसको मान लो। अब इसकी तुलना करनी है हमें, अब करो तुलना। तो बच्चों तुलना करें, तुलना करने पे देखो क्या आया, जब आपने तुलना करी तो ए का मान 3 आया कि नहीं आया। देखो इसको इससे मैच करो, इसको इससे, तो इसको जब इससे मैच करा तो ये कण का आयाम जो है, ये आयाम कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड मतलब कितना आया, ये आया 3। देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक ये वाला ये इसका ए से मैच कर गया कि कण का आयाम कितना जाएगा। ठीक, अच्छा आगे चलो, और साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, 6.28 6.28 ये कितना जाएगा, 0.50x। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेमडा का मान कितना है, 0.50। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या समीकरण को, तो 1/लेमडा का मान किसके बराबर है, 0.50 के, क्योंकि kx से ही है। तो 1/लेमडा का मान किसके बराबर है, तरंग देर का या वेवलेंथ का, 0.50 के बराबर है। इसे उल्टा करो, तो जब उल्टा करा हमने तो यह आया लेमडा बराबर 1/0.50। तो पॉइंट हटाया तो आया 100, तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये सब सेंटीमीटर में मान लेते हैं ना, सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में विस्थापन समीकरण। तो वेवलेंथ कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद चलो और आगे चलते हैं। तो ये पहला वाला जो निकल गया, कण का आयाम कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तरंग देर, तरंग देर भी हमने निकाल दी, कौन सा, ये 2 नंबर का हमने तरंग देर निकाल। तीसरा, तीसरा निकालना है आवृत्ति। आवृत्ति आपको पता है ये 50 ओमेगा के बराबर है, है ना। तो तीसरा वाला क्या है, ओमेगा का मान किसके बराबर है, 50 के, है कि नहीं है, ओमेगा का मान 50 के बराबर है। तो आवृत्ति निकालने के लिए थे आपसे पूछे कोणीय आवृत्ति, तो इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। यदि ऐसे निकालने को बोलता तो मैं ये निकाल देता डायरेक्ट, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या जाएगा, ओमेगा बराबर 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाती यदि पूछता तो। फिर उसके बाद, अच्छा एक मिनट, इससे तुलना करनी ना यार हमें, तो स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, छोड़ो इसको, छोड़ो, यहाँ पे हो जाएगा, ओमेगा को हटा दो यहाँ से। तो देखो 1/t का मान, क्योंकि 6.2 इसने 8 इसने बाहर निकाल लिया, तो 1/t का मान किसके बराबर है, 50 के हैं। तो ये हो जाएगा आवर्तकाल, टी बोलते हैं इसको, तो 1/t का मान किसके बराबर है, 50 के बराबर है, होगा नहीं होगा। और आपको पता है 1/आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ति। तो f का मान क्या, अच्छा t का मान कितना जाएगा, फिर यहाँ से t यदि पूछता तो ये होता 1/50 सेकेंड, ठीक है, 1/50 सेकेंड। अच्छा आवृत्ति पूछूं तो आवृत्ति बराबर होता है हमारे पास f बराबर 1/t, t का मान कितना, 1/50, तो 50 ऊपर जाएगा, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ये बोला था फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चौथा चेक करो, चौथा, फोर्थ वाला, फोर्थ हमें वेग निकालना है, क्या निकालना है, कण का या तरंग की चाल या तरंग की वेग, जो भी है। तो तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव, तरंग की चाल, तो हो जाएगा वी बराबर एफ इंटू लेमडा। वी बराबर कितना जाएगा, एफ इंटू लेमडा। एफ कितना है, 50, लेमडा कितना है, 2, है ना, दिख रहा ना, लेमडा बराबर कहाँ गया, लेमडा बराबर निकाला था हमने 2 सेंटीमीटर, 50 इंटू 2
तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, स्पीड ऑफ वेव। क्लियर है चीज़। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई किसकी, कोई तो कोई भी कितनी बड़ी समीकरण हम इसको आसानी से सोल्व कर दें। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के बड़ा होता है इसलिए के को आगे रखो, डब्लू जो है ओमेगा वो बाद में रखो, माइनस ओमेगा टी, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा ये मान। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले से उसे कन्वर्ट कर देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग एक्स डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रिंग, तो ये बोल रहा है आपसे कि एक जो गति करती हुई कोई तरंग है जो कि रस्सी में एक्स दिशा में बह रही है, रस्सी में या एक्स दिशा में प्रवाहित तरंग की विस्थापन समीकरण निम्न है। ये विस्थापन समीकरण है बच्चों, एक्स दिशा में जाती है ना तरंग, इस तरह से होता कुछ ऐसा समझो उसको, ऐसे ये एक्स दिशा में तरंग जो है आगे जा रही है, तो जा तो आगे रही है ना तरंग, किसमें, ये एक्स दिशा के अंदर तरंग जो है गति कर रही है, तो किसकी, वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स दिशा में जा रही है, वो कौन सी दिशा में जा रही है, ये एक्स दिशा के अंदर जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे के एक्स है ना, तो ये नेगेटिव एक्स दिशा में बोलेंगे इसको, तो नेगेटिव को मैं इधर ही बना देता हूँ, ये ऐसे चल रही है ऐसे मान लो, यहाँ से चल रही है, ठीक है ना, ये वाई, ये नेगेटिव एक्स दिशा में चल रही है, डायरेक्शन चेंज कर लेना इसके कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे चल रही है नेगेटिव एक्स दिशा में, तो क्योंकि क्या आपको पता साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, तो नेगेटिव एक्स में यदि ओमेगा टी माइनस के एक्स हुआ तो अलग वैल्यू जाएगी, पॉजिटिव एक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, नेक्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब अधिकतम वेग अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण जो है आपको ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसका, कि भाई ये कैसे समीकरण है, तो तरंग की समीकरण क्योंकि क्या होती है, तरंग की विस्थापन समीकरण क्या होता है, वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है बच्चों, है ना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, आपको याद हो तो ये तरंग की समीकरण का सूत्र है, वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ए क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं तरंग का आयाम, कण का आयाम, के होता है हमारे पास प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं संचरण नियतांक, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और इसका मान क्या होता है, वैल्यू ये होती है 2π/λ, के की वैल्यू होती है 2π/λ। तो आपको क्या निकालना, मैक्सिमम वेग निकालना, अधिकतम वेग निकालना, तो अधिकतम वेग के लिए पहले बच्चों आपको एक चीज पता होगा, वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर dy/dt, याद है कुछ नहीं, तो dy/dt, तो आप क्या कर दो, विस्थापन का समय के साथ में अवकलन कर दो तो वेग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने विस्थापन का अवकलन किया तो v बराबर हो जाएगा d/dt, और y का मान कितना जाएगा,
वाई का मान है आपका 3 sin 3.14x माइनस 314 t। ये हमारे पास काय का है, ये वेग का मतलब विस्थापन का मान है। तो ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है आपको, इसका अवकलन करना है। ठीक है, सही। तो इसका अवकलन करने के लिए आपको एक चीज पता होगा कि भाई यहाँ पे ये इसका अवकलन होगा 3 sin 3, ये हो जाएगा कोस, साइन का कोस, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा, तो 3.14x माइनस 314 t। होगा नहीं होगा, होगा 314 t। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब 314 t है तो आपको पता है कि एक बार t से ये और परिवर्तित हो रहा है, तो 314 का माइनस 314 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो v बराबर हो जाएगा माइनस 314 आगे, क्योंकि इसका एक बार और करेंगे तो इसका करेंगे तो जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस 314। तो गुणा किया तो ये आ जाएगा माइनस 900, माइनस का 942 कोस 3.14 एक्स माइनस 314 t। बात समझ में आई? तो इसमें तो कोई दे नहीं रखा ना सेंटीमीटर मीटर में, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है आपको। चलो आप सब सारी चीज़ें किसमें मीटर में मानो, फिर इसको मीटर में। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आया ना वेग, ये भी मीटर में आ गया है। तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि कोस का अधिकतम मान कितना होता है, प्लस वन होता है, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ पे बच्चों ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या कहलाती है, वेग का अधिकतम मान, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम, ये होता है वेग का आयाम, इसको वेग का आयाम भी बोलते हैं। तो v का मान हो जाएगा माइनस 942 मीटर प्रति सेकंड, तो जाएगा अधिकतम मान किसका, वेग का, माइनस 942 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये तो पहला निकाल लिया वेग, अब हमें क्या अधिकतम त्वरण निकालना है। तो अधिकतम त्वरण के लिए क्या करेंगे बच्चों, वेग तो आ ही गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्सिमम, तो ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो अभी रुक जाओ, पहले त्वरण तो निकालो, तब तो मैक्सिमम निकालोगे। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, एक बार ये तो वेग तो आ गया, फिर दोबारा से इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 942, तो बाहर आ रहा है वेग। अच्छा, ए बराबर क्या होता है, डी बटे डी टी माइनस 942 को बाहर रखो, माइनस 942 को क्या रखो, बाहर रखो, तो ये जाएगा कोस 3.14x माइनस 314 t। देखो इसको बाहर निकालिए, इसका अवकलन करना है, तो देखो इसका अवकलन दोबारा से क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 942 इंटू, अभी लिखेंगे कोस का अवकलन माइनस होता है, कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा है, तो कोस का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन 3.14x माइनस 314 t। ठीक है, तो कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और आ साथ में इसका भी अवकलन करोगे, इसका भी अवकलन करोगे, तो इसका अवकलन तो जीरो, इसका हो जाएगा माइनस 314, तो और माइनस 314 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 314 माइनस, तो ये
प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो बच्चों यदि हम इसे सेंटीमीटर में लेते ना तो वैल्यू अलग आती है, क्योंकि अभी मीटर मीटर में लिया है, बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी इसके। अधिकतम त्वरण कितना होगा इसका भी, एक ए बराबर हो जाएगा -942 × 314 साइन 3.14x -314t। ठीक है, इन दोनों को करोगे आप मल्टीप्लाई। अच्छा आपको ये चीज़ पता है, अब मुझे इधर ये तो आ गया त्वरण का मान, क्या आ गया त्वरण का मान, लेकिन आपको पता है साइन का अधिकतम मान क्या होता है, साइन का अधिकतम मान होता है थीटा। मैक्सिमम कब होगा साइन थीटा, जब ये 90 डिग्री हो या कुछ भी, जो तो वैल्यू कितनी जाएगी 1 होनी चाहिए, +1 -1 के बीच में, +1 ले रहे अपन। ठीक है, तो हो जाएगा ए अधिकतम मैक्सिमम त्वरण, ए मैक्सिमम बराबर हो जाएगा -942 314। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके तो लगभग मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 27। इसको मान लो 900 है ना, इसको मान लो 350, इधर बढ़ा दिया, इधर कम कर दिया, इधर बढ़ा दिया। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ, तो 9 × 45 का 5 हासिल 4, 27 28 30 31 का 1, तो जाएगा हमारे पास ये 45 का 5 31 500 30 है ना, तो यह जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सेंटीमीटर वगैरह में होगा है ना। अभी तो क्या है मीटर में दे रखा है, मीटर में ज़्यादा वैल्यू आ रही है, सेंटीमीटर में होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का इतना बड़ा वैल्यू नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये था हमारा आज का कुछ क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।